मेवात की कहानी, हिंदू की जबानी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाएंगे जो सदियों से मेवात में रह रही है, और वो खुद अपने मुंह से मेवात के बारे में बताएंगे। आप खुद बता सकते हैं कि मेवात कैसा है। खुद एक हिंदू फैमिली के मुंह से ये मेवात के बारे में सुनिए, मेवात कैसा उनके साथ बर्ताव करता है। जो आपका धर्म है वो हिंदू है? हिंदू। अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी 90 साल की। 90 साल के हो गए हो आप? हाँ। तो 90 साल मतलब जो आपका पेहर है वो कहाँ का है? हतीन। हतीन। हाँ। पलवल जिले में पड़ता है हतीन। तो यहाँ 90 साल जैसे आपको हो गए मेवात क्षेत्र में रहते, तो मेवात के लोगों के बारे में बार बार ऐसे टीवी पे दिखाया जाता है कि भाई मेवात में तो हिंदुओं को रहने नहीं देते मुसलमान लोग, क्या ऐसी कोई समस्या है? ना, बिल्कुल ना। नहीं है ना। तो मेवात के लोगों के लिए ये कहा जाता है टीवी के माध्यम से कि भाई मेवात के जो मुसलमान हैं बहन बेटियों को पढ़ने नहीं देते, स्कूल नहीं जाने देते, जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, क्या ऐसी घटनाएं आपने 50-60 साल जो जिंदगी आपने मेवात में गुजारी ऐसी हुई है कभी? ना, कभी ना हुई। कभी नहीं? झूठी बात। ये झूठी बातें हैं? हाँ, सब झूठी है। तो कैसे आपके जो भाईचारे के साथ आप लोग रहते हो या आपको वैसे कोई जबरदस्ती परेशान किया जाता है? भाईचारे की तरफ रहते हैं, प्यार मोहब्बत है सबकी, एक अमीर है कोई। बेटियां, आप स्कूल जाती हो? बेटी स्कूल में कोई परेशानी होती है आप लोगों? नहीं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तो तुम्हारा गांव है मुसलमानों का गांव है? हाँ। तो मुसलमान बच्चे परेशान करते हैं क्या? नहीं। देखो, ये हमारे सामने बुजुर्ग हैं और कुछ और भी महिलाएं उनके पीछे हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, क्या कोई ऐसी समस्या तो इनके सामने है नहीं। लेकिन आपका नाम बताओ, क्या है? जगवती। जगवती, आपको मतलब आपका जो पेहर है वो कहाँ का है? पलवल। जगवती जी पलवल की रहने वाली हैं और अभी आप मेवात में हैं? हाँ, मेवात में। तो ऐसी कोई समस्या है मुसलमानों की तरफ से आपको, भाई मुसलमान आपको रहने नहीं देते, बाजार नहीं जाने देते? ना, ऐसी कोई समस्या आई ना। आज तक भी नहीं आई ऐसी कोई समस्या? तो टीवी वाले दिखाते हैं कि भाई मुसलमान तो बहुत परेशान करते हैं, वहाँ हिंदू औरतों को टिकने नहीं देते, बाजार नहीं जाने देते, छेड़ते हैं, ऐसी कोई समस्या है? ना, आज तक भी ना आई। जो तुम्हारा गाँव है उसमें मुसलमान ज्यादा है? कोई कोई मुसलमान ज्यादा है ना इस गाँव में? हाँ, यहाँ तो है। तुम्हारे घर कितने हैं? 50 घर। 50 घर तुम्हारे हिंदुओं के हैं और मुसलमानों के कितने घर हैं? हजारों घर हैं। हाँ, हजारों घर ही। तो ऐसी कोई समस्या हुई तुम लोगों के सामने कि भाई मुसलमानों ने ज्यादा परेशान किया हो? ना, कोई परेशान ना करे। तुम्हारे जो बेटियों की शादियाँ होती है कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, क्या मुसलमान चढ़ने देते हैं? ना, खूब चढ़ने देते। बस बहुत। अभी हमारे सामने एक और है, वो अपने नाम बताइए खाली आप। शोभा। शोभा। शोभा, आप ये सच बताओ, क्या कभी मुसलमान परेशान करते हैं यहाँ पे? ना करे। तो साथियों, ये देखिए, ये जो जैन एंटी है मेवात की हकीकत है, भाईचारा, वो ये है कि मुसलमान कभी किसी को परेशान नहीं किया जाता है। ये खाली जो प्रोपेगंडा मेवात को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ जो बच्चे हैं आप देखेंगे, एक बेटी है छोटी सी, मैं इनसे बात करवा रहा हूँ। क्या नाम है बेटी आपका? जेसिका। जेसिका। पिताजी का नाम क्या है? करण सिंह। करण सिंह। पढ़ते हो आप? हाँ। आराम से पढ़ते हो? हाँ। कोई परेशानी होती है यहाँ पे? नहीं होती। भाईचारे के साथ रहते हो? हाँ। तो साथी देखिए, ये है मेवात का असली भाईचारा, असली हकीकत, और ये माताजी हैं 90 साल जिनकी उम्र हो चुकी है और अभी इनकी जो ज़िंदगी है मेवात क्षेत्र में 60 साल गुजरी है। माताजी, आपके बच्चे कितने हैं? 3 लड़का। पोती, पोता पोती? पोता पोती मौज, कोई कमी ना। पड़ पोते भी हैं आपके? पड़ पोती हैं? है। तो ऐसी जो आपने पिछले 60 साल मेवात में गुजारे, कोई ऐसी बदनामी की कोई बात हुई हो या मुसलमान कोई परेशान ज्यादा करते हो जैसे दिखाते हैं, जीने नहीं देते, तुम्हारे बहन बेटियों को पढ़ने नहीं देते, ऐसी तो कोई बात है नहीं? ना। सच बता रहे हो आप? सच ये बात है? सच। कोई तुमसे कभी कहा हो किसी मुसलमान ने कि भाई जबरदस्ती तुम मुसलमान बन जाओ? ना, ना कहे। नहीं। वीडियो तो आपने देख ही ली होगी और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतनी शेयर करें ताकि हमारा हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बना रहे और जो गलत अफवाहें उड़ रही हैं इन अफवाहें से बचें और अपना भाईचारा कायम रखें।